विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए टोक्यो पहुंच गए हैं। पीएम मोदी आज जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से मुलाकात कर पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। अपने आप को ज्यादा शोकातुर अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया तब अभिशान से बहुत लंबी बातें हुई थी और कभी सोचा ही नहीं था कि जाने के बाद ऐसी खबर सुनने की नौबत आएगी। अभिशान और उनके साथ आपने विदेश मंत्री के रूप में भी भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर भी ले गए और बहुत क्षेत्रों में उसका विस्तार भी किया। और हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, भारत और जापान की दोस्ती ने। और इन सब के लिए आज भारत की जनता अभिशान को बहुत याद करती है, जापान को बहुत याद करती है, भारत एक प्रकार से अभिशान को मिस कर रही है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत जापान संबंध और अधिक गहरे होंगे और अधिक ऊंचाइयों को पार करेंगे और हम विश्व में समस्याओं के समाधान में एक उचित भूमिका निभाने के लिए समर्थ बनेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। राष्ट्रीय